हे यो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू द चैनल। गाइस, आज फिर से एक बार हम लोग खेल रहे हैं एक नया वाला गेम। पर असल में देखा जाए तो ये इसको गेम नहीं कह सकते। मैं आपको कुछ बताता नहीं हूँ, सीधे हम गेम में चलते हैं और देखते हैं क्या आखिर ये है क्या चीज़। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, ये सीनरी चालू हो गई है, मस्त बढ़िया म्यूजिक बैकग्राउंड में। ये भी अगर आप लोगों को याद होगा, जो पिछला वाला अपन ने गेम खेला था द डॉल शॉप करके, बस उसी के डेवलपर ने इसको बनाया है, इसीलिए बहुत हद तक ये गेम वैसा ही दिखेगा, लेकिन कहानी थोड़ी अलग है। और मैं इसके गेम होने पे डाउट क्यों कर रहा हूँ वो आपको गेम के एंड पे पता चलेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं, अभी वो सब छोड़ देते हैं, बढ़िया स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे एक डायलॉग आया है, आई लेफ्ट होम दिस मॉर्निंग लॉन्ग बिफोर डॉन, बिफोर एनीथिंग माइट हियर मी। ओके, तो कोई बंदा अपना घर छोड़ के जा रहा है, ठीक है, इतना तो समझ आया आपको। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ट्रेन का सीन है, अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे तो। ओके, तो आगे देखते हैं। आई हैड टू बी केयरफुल नॉट टू वेक माई पेरेंट्स, दे वुडेंट अंडरस्टैंड। ओके, तो मतलब थोड़ा माँ बाप को बिना बताए निकला जा रहा है घर से, ठीक है। हु नोज वेयर दिस एम्प्टी ट्रेन इज हेडिंग, ऑल आई कैन डू इज वॉच द लैंडस्केप एज इट अनफोल्ड्स बिफोर मी। ओके, खाली ट्रेन और कहाँ जा रहे हैं इसका भी पता नहीं है। ओके, एम आई ड्रीमिंग। ओके, तो ये गेम है, देखो इसका नाम है यूरेई स्टेशन, या फिर इसको घोस्ट स्टेशन भी कहा जा सकता है। ये गेम भी बिल्कुल जापनीज बैकग्राउंड पे सेट है, और इसमें भी काफ़ी जापनीज एलिमेंट हमको देखने को मिलेंगे, जो जिससे मालूम पड़ता है कि इसका जो डेवलपर है अपना, जिसका नाम एटलियर सेंटोस है, वो थोड़ा जापनीज चीज़ों से काफ़ी इंस्पायर्ड है, और उसे शायद चीज़ें पसंद आती है काफ़ी जापनीज, इसलिए गेम उन पे बनाए जा रहे हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं भाई। ओके, तो देखते हैं भाई कोई बंदा है या बंदी, पता नहीं। ओके, बंदी है जो घर छोड़ के जा रही है, और इसे पता नहीं है कि कहाँ जा रही है, और ये ट्रेन पूरी खाली है ऐसा हमें बताया गया है, और इन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ये जा रहे हैं, तो पूछ भी रही है कि हमें सपना देख रही हूँ या सच है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। द ट्रेन्स वाइब्रेशन रिलैक्स मी, आई ट्राई टू क्लियर माई हेड। अच्छा ठीक है भाई, क्लियर करो हेड को। बट सडनली माई हार्ट टाइटन्स, आई फील अ प्रेजेंस, इट्स गेटिंग क्लोजर, इनविजिबल, इट्स ब्रीथ हैवी अगेंस्ट माई नेक। ओके, आई डोंट डेयर मूव। ओके, यहाँ पे आई हैव गॉट ए न्यू मैसेज। ओके, मैसेज तो आ गया, ठीक है, मैंने देख लिया गाइस, लेकिन उससे पहले ये कह रही है कि इसके आसपास कुछ महसूस हो रहा है, और ये थोड़ा मुझे इस गेम का थोड़ा अजीब एलिमेंट लगा, क्योंकि पहले भी ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सा देख चुका हूँ कि यार मतलब इसको कुछ प्रेजेंस फील हो रहा है, ऐसा गेम का नाम है घोस्ट स्टेशन, तो मतलब भूत वूत का कुछ प्रेजेंस ही फील होगा मेरे ख्याल से। तो यार थोड़ा उसको और मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा और सस्पेंस और मिस्टीरियस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए था। ये तो डायरेक्ट ही बोल देती है गेम स्टार्ट होने के पहले ही कि भाई कुछ मेरे को फील हो रहा है आसपास। तो मेरे ख्याल से हॉरर गेम में बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है सस्पेंस होता है, और इन्होंने उसको रुइन कर दिया, मतलब ख़राब कर दिया, इन्होंने डायरेक्ट ही बता दिया कि इसके आसपास इसको कुछ महसूस हो रहा है। इसको और अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया जा सकता था, मेरा ये कहना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत पका लिया, अब आगे बढ़ते हैं, इसका मैसेज पढ़ते हैं, ये क्या मैसेज आया है इनको। ओके, फ़ोन पे मैसेज आया है। ओके, देख लेते हैं भाई। ओके, ये इनकी तस्वीर है शायद, पप्पा जी के साथ होगी, ठीक है, मैसेज पढ़ते हैं। ओ, जापनीज़ में लिखा गया है, देखते हैं, हिंदी तो सॉरी इंग्लिश ट्रांसलेशन तो होगा ही। ओके, है यहाँ पे, द मैसेज सेज आई सी यू। अच्छा, मैं तुम्हें देख सकता हूँ या सकती हूँ, जो भी है, तो ऐसा मैसेज आया है। आई लुक अराउंड इन अ पैनिक, देयर इज स्टिल नो वन। ओके, तो यहाँ पे देखा तो किसी को नहीं जा रहा है, लेकिन मैसेज आ रहा है, और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। ओके, यहाँ पे थोड़ा ठीक है, अच्छा है, डरावना एलिमेंट, ऑल राइट। तो आई विश आई कुड गो बैक, अब क्या फ़ायदा दीदी, अब तो घर से भाग चुकी है आप, अब वापस जाके क्या ही फ़ायदा, मम्मी पापा सुताई कर देंगे और क्या। बिफोर आई स्टार्टेड रिसीविंग दिस मैसेजेस बिफोर दिस हॉरिबल डे, हाँ ये तो भागने से पहले सोचना चाहिए था। ओके, कोई बात नहीं, अब भाग चुके हैं घर से, तो देखते हैं अभी कोई जुगाड़। तो यहाँ पे भाई ये ट्रेन तो है, अब आगे क्या करना है कोई मुझे बता दो यार।
ओके, इधर उधर क्लिक ही मार के देख लेते हैं गाइस, क्योंकि पॉइंट एंड क्लिक गेम है ऑब्वियसली, तो कहीं ना कहीं पे क्लिक लग जाएगा। फ़ोन देख लेता हूँ। ओके, फ़ोन में तो भाई वो ही एक मैसेज आया है। ठीक है, ये मैसेज एक और बार देख लेते हैं। आई सी यू, ओके, यू सी मी, ओके ओके, फिर से वही डायलॉग्स आ जाएंगे अगर वापस दिखेंगे तो। ठीक है, हम थोड़ा, ओके, यहाँ पे देखो ये आँख आ रही है, तो थोड़ा देखते हैं यहाँ पे क्या है। आई फील लाइक दिस ट्रेन विल नेवर स्टॉप, दैट द नाइट विल नेवर एंड। वाह वाह, पोएटिक सेंटेंसेस। आई हैव बीन ट्रैप्ड इन डार्कनेस फॉर मंथ्स। ओके, आगे, अच्छा इतना ही था। ठीक है, हाँ अच्छा, तो अब तो आप लोग तो समझ ही गए हैं क्या कहना चाह रही है। तो अभी यहाँ पे वो सब तो ठीक है, लेकिन करना क्या है आगे वो हमको देखना पड़ेगा। यह ट्रेन से कूदने वूदने तो नहीं वाली है ना, मुझे तो नहीं लगता। तो यहाँ पे ये, अच्छा, यहाँ पे ये देखो, ये आँख आ गई है फिर से, तो हम थोड़ा यहाँ पे छानबीन करते हैं कि यहाँ पे क्या है। ओके, तो अच्छा, एक मैसेज ब्लिप हो रहा है, पहले वो देख लेते हैं। चलो, क्या मैसेज आए हैं। ओके, ये क्या है भाई, ये मतलब मैसेज भेजने वाले को मतलब लिखना आता है कि नहीं, कुछ भी लिख के भेज देता है भाई। देखो क्या ही लिखा है, मतलब आई कैन ओनली रीड अ फ्यू वर्ड्स, यस मी टू, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे तो जापनीज अपने को नहीं समझती, पर फिर भी मतलब लिखने का तरीका तो समझ आता है भाई, क्या ही लिख दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। ये दीदी कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकाल लेगी पढ़ने का। आई कैन ओनली रीड अ फ्यू वर्ड्स, आई एम वेटिंग फॉर यू। अच्छा, तो ऐसा आई एम वेटिंग फॉर यू इतना दिख रहा है। हाँ, हमको भी बीच में कुछ दिख रहा है, देखो ये लाइन सीधी यही लिखा होगा मेरे ख्याल से। ओके, आगे क्या है। आई कैन ओनली रीड अ फ्यू वर्ड, ओके बस इतना ही। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ और तो नहीं छुपा हुआ। ओके, यहाँ पे कुछ और तो मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, इसको रख देते हैं वापस। यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई। ओके, यहाँ पे भी कुछ, अरे कलाकारी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कलाकारी कर सकते हैं। तो गैस थोड़ा देखते हैं यहाँ पे कलाकारी करके कि क्या कर सकते हैं। वैसे ये मेरे को कोई रास्ता लग रहा है, मतलब मैप जैसा थोड़ा दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे क्या होगा इससे, ऐसा करने से। नो दैट डजेंट मेक सेंस, आई मस्ट बी रॉन्ग। अच्छा ठीक है, आई मस्ट बी रॉन्ग, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो वैसे तो गाइज यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं। इसमें मैंने देखा था कि हिंट वाला ऑप्शन भी रहता है, तो ट्राई करते हैं, अपने को हिंट मिल गया तो अपन थोड़ा और आगे बढ़ पाएंगे जल्दी। ये देखो यहाँ पे हिंट वाला ऑप्शन रहता है। डू यू नीड हेल्प प्रोग्रेसिंग, यस आई एम टोटली स्टक, नो आई कैन मैनेज इट, यस आई एम टोटली स्टक। भाई समझ नहीं आ रहा है। वॉट वॉज द लास्ट मैसेज यू रिसीव, ये वाला मैसेज रिसीव किया था। आई कैन ओनली रीड अ फ्यू वर्ड्स, आई एम वेटिंग फॉर यू। हाँ, ये वाला मैसेज मैंने लास्ट रिसीव किया था। तो क्या है इस मैसेज में, क्या है देखते हैं थोड़ा ध्यान से, शायद हमको कुछ मिलेगा। ओके गाइस, थोड़ा सा कुछ मेरे को दिखा इधर, ये देखो यहाँ पे ऐसा कटोरे जैसा निशान है, और यहाँ पे भी सेम टू सेम, और यहाँ पे ये जो ट्रायंगल, यहाँ पे भी ऐसा कुछ है, एक ट्रायंगल पेड़ जैसा। तो ऐसा भी, अरे हाँ देखो ये वाला भी यहाँ पे है, ये ऐसा कुछ तो भी निशान है। अगर आप एरो देख पा रहे होंगे मेरा माउस का, तो ये देखो यहाँ पे ऐसा कुछ है। और ये एक यहाँ पे जो, ये क्या बोलते हैं इसको, पिछले गेम में हमने देखा था यार, इसको क्या बोलते हैं, वो मंदिर का जो गेट होता है जैपनीज, तो वो भी है यहाँ पे। ओके, तो मेरे ख्याल से हमको लाइन जोड़ देनी चाहिए, देखते हैं। तो ये वाला ऐसा था, उसके बाद ऐसा था, उसके बाद ऐसा, और उसके बाद ऐसा, दैट्स इट। ओके, चलो मज़ा आ गया, इतना सिंपल, मतलब इतना सिंपल पजल मैंने आज तक सॉल्व नहीं किया, चलो बढ़िया है। स्ट्रेंज, इट्स द ओनली वन विथ नो नेम। अच्छा, कोई स्टेशन है, ठीक है, वो क्रॉसिंग पे कोई स्टेशन पे आ रहा था वो क्रॉस, और उस स्टेशन का कोई नाम नहीं है। ओके, और ये ट्रेन रुक चुकी है शायद उसी स्टेशन पे, तो अब क्या करना है यहाँ पे, हाँ शायद से बाहर जाना पड़ेगा। ओके, तो बाहर चलते हैं हम लोग। ओ तेरी भाई, ये क्या नज़ारा है, मतलब एक नंबर नज़ारा दिख रहा है। आई कांट हेल्प बट हेजिटेट बिफोर लीविंग, देयर इज नो टेलिंग वॉट माइट बी वेटिंग फॉर मी आउटसाइड। हाँ वैसे बात तो सही है, अनजान जगह, और ऊपर से देखो बैकग्राउंड आवाज़ भी कैसा अजीब ही आ रहा है, और यहाँ पे मतलब स्टेशन का नाम नहीं दिया गया, मतलब मुसीबत हो सकती है यहाँ पे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पिछले गेम की तरह इसमें ज़्यादा कुछ डार्क ना हो,
पर भाई मतलब पिछला गेम देखकर तो लगता है कि इस गेम में भी कुछ ना कुछ डार्क होगा ही। तो चलो देखते हैं, बाहर निकलते हैं। ओ भाई क्या मस्त है यार, मतलब इन्होंने 2D को 3D ऐसा बना दिया है, मतलब ये चीज़ बहुत पसंद आया मेरे को गेम में। वैसे देखा जाए तो मैंने ये पहले भी देखा है, मतलब ट्रेलर में, मेरे को इसीलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा था एक गेम। तो ये देखो इसका मतलब कैसा है कि 2D मतलब पर्सपेक्टिव से इन्होंने 3D मतलब ऐसा मिक्स कर दिया है और मस्त दिख रहा है मुझे। तो ठीक है, बढ़िया है वो सब। तो अभी हम आगे थोड़ा देखते हैं यहाँ पे चीज़ें क्या क्या है। ओके वाह भाई, मतलब क्या मस्त ऐसा शिफ्ट हुआ ना कैमरा एंगल, बहुत मजा ऐसा मजा आता है ये सब देखने में। सम ऑफ द लैंटर्न्स आर ग्लोइंग फेंटली थ्रू द डस्क, रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू हैंग आउट एट दिस स्मॉल विलेज फेस्टिवल्स। एक मिनट, पहले तो ठीक है इसने जो भी बोला वो बोला, लेकिन ये पूछ किससे रही है? मैं तो मेरे से तो भाई मैं तो रिलेट नहीं कर पा रहा भाई, मैं पहली बात जापान में रहता ही नहीं हूँ। तो ठीक है चलो, किसी ऑडियंस के लिए होगा मेरे ख्याल से, तो जिन्होंने स्मॉल विलेजेस में हैंग आउट किया होगा उनके लिए ठीक है। पर भाई हमारे यहाँ पे ऐसे लैंटर्न्स नहीं होते हैं गाँव में, तो अनरिलेटेबल, लेकिन ठीक है चलो। द क्राउड्स इन द ओल्ड स्ट्रीट्स, द डिस्टेंट लाफ्टर। अच्छा ठीक है। मेमोरीज कम फ्लडिंग टू मी बट आई हैव टू होल्ड देम बैक। क्यों भाई मेमोरी होल्ड बैक क्यों करना पड़ रहा है ये सर, ये एक्सप्लेन तो करो यार। मतलब ये दोनों गेम भाई, मतलब ये जो डेवलपर है मतलब ये एक्सप्लेन नहीं करता है यार कहानी, मतलब क्या ही है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ये क्या है भाई, ये तस्वीर को मैं थोड़ा जांच पड़ताल करना चाहता था, काफ़ी थोड़ा डरावना सा लग रहा है, पर ठीक है नहीं कर पा रहे हैं, आगे देखते हैं। ओके यहाँ पे ये थोड़ा आग आ गया है, देखते हैं क्या है यहाँ पे। नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई आई कांट रीड द नेम ऑन द साइन लुकिंग क्लोजली एट द पीलिंग पेंट। अच्छा मतलब नाम पढ़ा नहीं जा रहा है क्योंकि पेंट वेंट निकल रहा है वहां से, ठीक है। इट हिट्स मी दैट दिस विलेज मस्ट हैव बीन डेजर्टेड अ लॉन्ग टाइम एगो। अच्छा हाँ, वैसे देखने से तो काफी पुराना, वैसे पुराना तो नहीं लग रहा है मुझे क्योंकि भाई लाइटें तो जल रही है यार, तो मतलब एक गाँव अगर डिजर्टेड है, मतलब कि मतलब छोड़ दिया गया है अगर लोगों ने इसको, मतलब लोगों ने अगर इसको छोड़ दिया है तो लाइटें किसने जलाई, तो यही बात हम पता लगाएंगे। तो चलते हैं आगे। ओके यार ये चीज़ मेरे को बहुत पसंद आई, मतलब ये 2D को जो 3D पर्सपेक्टिव दिया है ना, मस्त एक नंबर भाई। ऐसा कोई दूसरा भी, ओ शिट क्या कुछ गया अभी यहाँ से। अ शैडो इज शेप ब्रशेस पास्ट मी व्हिपिंग अप वार्म एयर। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा माहौल गंभीर होता जा रहा है। आई थिंक ऑफ अ हैंड एक्सीडेंटली ग्रेजिंग माई और ऑफ अ ब्लरी फेस ग्लिम्स थ्रू अ विंडो। कहाँ है भाई, कहीं है क्या, खिड़की विड़की है क्या किधर? खिड़की तो है लेकिन खिड़की से कोई चेहरा तो नहीं दिख रहा। अच्छा ये यही इमेजिन कर रही है, मुझे लगा कि ऑडियंस को भी दिखाएंगे भाई, पर ठीक है नहीं दिखा रहे, अच्छी बात है वरना यहाँ पे हवा टाइट हो जाती। आई शिवर। ओके शिवर, और क्या है यहाँ पे? अच्छा ये है, द शेप हैज स्लिप्ड इनटू द शैडोज बिटवीन हाउसेस। अच्छा आई डोंट डेयर फॉलो इट। देखो दीदी अभी फॉलो तो नहीं, अब देखते हैं, अगर फॉलो कर सकते होंगे तो फॉलो तो करना पड़ेगा। अच्छा शायद नहीं कर सकते, ठीक है फिर नहीं करेंगे फॉलो। ओके ये क्या है, द विंडोज आर लाइक डेड आईज पॉइंटेड डायरेक्टली एट मी। हाँ ये तो थोड़ा बहुत अभी मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, विंडोज असल में वैसी ही होती है, मतलब अगर आप विंडोज की तरफ देखो तो ऐसा लगता है कि कोई आपकी तरफ घूर रहा है। तो इसको भी वैसे ही हेलुसिनेशन हो रहे हैं, जो कि मतलब काफी यूजुअल है ऐसी जगह पे। देखते हैं आगे क्या होता है। ओ एक मैसेज आया। ओके मैसेज आ गया, अरे ये मैसेज भी काफ़ी अजीब है। दिस मैसेज इज इनडिसाइफरेबल बट देयर समथिंग ऑमनियस अबाउट इट। ये अंग्रेजी कहाँ मतलब सीखने को मिलेगी ऐसे, ऑमनियस का क्या मतलब होता है यार? ठीक है मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि ये कह रही है कि यहाँ पे ये पढ़ने लायक नहीं है मैसेज, लेकिन इसके बारे में कुछ अजीब है शायद, लेकिन क्या अजीब है वो तो नहीं पता लगा अभी। तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई कोई हमको समझ में आ जाए कि भाई चल क्या रहा है यहाँ। ओके भाई ये जगह मस्त दिख रही है, मतलब बिल्कुल हॉरर मूवी बन सकती है ऐसे, मतलब वैसा सेटअप है बिल्कुल। अ मैसिव वुडन डोर इज ब्लॉकिंग द पाथ। अच्छा रास्ते के बीच में है बड़ा सा दरवाजा,
देख लेते हैं क्या है।